ये नदी मर गई और ये शुरुआत है। अगर नदी मर गई और जीवन चला गया तो अगली बारी किसकी है? अगली बारी हमारी और आपकी होगी। इसलिए जहां तरक्की, खुशहाली, डेवलपमेंट की बात हो रही, वहीं मैं समझता हूं नदियां भी बचे। और मैं हिंडन के लिए आपको भरोसा दिलाता हूं, आने वाले समय में सप्लीमेंट्री बजट आने जा रहा है, उस सप्लीमेंट्री बजट में भी हम हिंडन नदी के साफ करने के लिए जो धन आवंटन करना होगा उसका इंतजाम करेंगे। और मैंने जल पुरुष राजेंद्र जी से भी कहा कि ये काम कुछ समय जरूर लगेगा, एक बजट में पूरा नहीं हो सकता। इसलिए हमने कहा कि हमारी पार्टी, जहां हम पर्यावरण के लिए अलग से बजट देने जा रहे हैं, एक ग्रीन हम मैनिफेस्टो तैयार कर रहे हैं, वहीं हम हिंडन को भी अपनी पार्टी के घोषणा पत्र में डालेंगे। कम से कम नदी हमारी साफ हो और जनता अगर हमें मौका देगी, क्योंकि साइकिल के बारे में तो ये कहते हैं कि साइकिल के बारे में तो भरोसा ही हो गया कि ये प्रोग्रेसिव साइकिल है, प्रोग्रेसिव साइकिल है। लेकिन साइकिल के बारे में ये भी है, ये ऐसी प्रोग्रेसिव साइकिल है कि विदाउट पॉल्यूशन, इसका कोई पॉल्यूशन नहीं है। इसे जो साइकिल पॉल्यूशन ही नहीं करती है, मैं समझता हूं अगर इस अभियान से आपके साथ जुड़ेगी ये साइकिल, तो कहीं ना कहीं आने वाले साइकिल समय में साइकिल को भी लाभ मिलेगा।